इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इको क्रिटिसिज्म को लेकर के। इको क्रिटिसिज्म क्या है वो समझेंगे, डीप इकोलॉजी समझेंगे, ओइको पोएटिक्स समझेंगे, नैस और सेशंस का मूल कुछ कुछ जो सिद्धांत है उसके साथ साथ हम लोग बायोसेंट्रिक इक्वालिटी को समझते हुए चलेंगे। इन शॉर्ट टोटल जो ग्रीन स्टडी हम लोग कहते हैं या इको क्रिटिकल स्टडी कहते हैं उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन शॉर्ट समरी हम लोग आज बढ़िया से समझेंगे। तो बने रहिएगा पूरा वीडियो में, और इस पूरा वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिखाया गया, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट। अगर मैं एक लाइन में इको क्रिटिसिज्म को बहुत आसानी से डिफाइन करूँ तो दैट विल बी द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जो हम लोग का चारों तरफ का जो इकोलॉजी है, जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ हम लोग का लिटरेरी स्टडी का जो संपर्क है ना, जो आपसी संपर्क है, उसी को हम लोग इको क्रिटिसिज्म कहते हैं, इको क्रिटिसिज्म कहते हैं। अब इसका एक आपको मैं प्रैक्टिकल उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पोएम में या कोई नॉवल में नेचर का कोई एलिमेंट लेकर के कुछ मान लीजिए वर्णना किया गया है, कोई लैंडस्केप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब उस पोएम का या उस नॉवल का जो सिग्निफिकेंस है या उसका जो सिम्बोलिज्म है उसको बैकग्राउंड में रखते हुए उसमें जो नेचुरल चीज़ें दिखाई गई उसका कितना महत्व है, या उस नेचुरल चीज़ के साथ उस पोएम का या उस नॉवल का अपना अर्थ या सिग्निफिकेंस का कैसा रिलेशनशिप है, नेचर उसमें कितना रोल अदा कर रहा है उस पोएम या नॉवल का इम्पैक्ट बढ़ाने में, या फिर वो पोएम या वो नॉवल का जो गतिधारा है वो उस नेचुरल डिस्क्रिप्शन से कितना प्रभावित हो रहा है या दर्शक या पाठक को कितना प्रभावित कर रहा है, ये सारा चीज़ें बारीकी से स्टडी करता है इको क्रिटिसिज्म। ठीक है, इको क्रिटिसिज्म का आप कह सकते हैं जो एक मूलभूत सिद्धांत है वो इकोलॉजिकल स्टडी और इकोलॉजिकल अवेयरनेस को सिर्फ किताबों और एनवायरमेंटल स्टडीज का असाइनमेंट से अलग करके हम लोग का जिंदगी में डेली टू डेली लाइफ स्टाइल में, कल्चर में, हम लोग का स्टडीज में, एनालिसिस में, एकेडमिक्स में, हर जगह में उसको इन्वॉल्व करने में है। और यहीं पे सबसे जो बेहतरीन या कहा जाए जो सबसे यूनिक कंसेप्शन उसका उठ के आता है, दैट इज इकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम इन इकोलॉजी, ये दोनों का डिस्टिंक्शन। अब ये है क्या प्रॉब्लम इन इकोलॉजी, यानी होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग का चार तरफ का जो वास्तुतंत्र है जिसको हम लोग इकोलॉजी कहते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग एलिमेंट्स सराउंडिंग अस, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम देखा जाए, जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा, अगर मान लीजिए फूड चेन में कोई प्राणी या कोई उद्भिद कोई कारण से वो बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है या बहुत ज़्यादा उसका पैदावार बढ़ गया है तो उसका चलते कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, या मान लीजिए कोई पॉल्यूशन का चलते या कोई और मानविक कार्यकलाप का चलते इकोलॉजिकल बैलेंस में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम्स इन इकोलॉजी। ठीक है, लेकिन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि इंसान का हरकत या सोच या फिर कोई पॉलिसी या फिर कोई और तरीके का काम या इंटेंशन का वजह से अगर इकोलॉजिकल बैलेंस में कोई हार्म आता है या फिर कोई पोटेंशियल हार्म आ सकता है तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे आदमी जो बिना, जैसे आपको बहुत मॉडर्न एक उदाहरण देता हूँ कि आज जो जगह जगह ये फ्लैटें बन रही हैं, है ना, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बन रहा है, तो उसके लिए कितना जो लैंड है, वेट लैंड है, या बहुत जगह तो जो पॉन्ड है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ है, उसको बुझा करके उस पर मिट्टी गिरा के फिर बनाया जा रहा है, कितना पेड़ काटा जा रहा है, कितना जगह में जो छोटा छोटा वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट रहता है उसको तबाह किया जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी को तबाह किया जा रहा है, तो इंसान का ये एक तरीके का जो सोच है, ठीक है, या फिर कुछ उसका जो काम है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोलॉजी को डिसबैलेंस करता है, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये इकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए आपको इकोलॉजिकल साइंस में एक्सपर्ट होने का दरकार नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अवेयर होने का दरकार है और अपना सोच या अपना हरकत बदलने का दरकार है। जैसे एक हरकत आप इकोलॉजिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए इको फ्रेंडली अगर आप चीज़ यूज़ करें, रिसाइकल किया जा सकता है ऐसा चीज़ यूज़ करें, अपना लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाए जिससे कि नेचर के ऊपर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ओवर कंजम्पशन ना हो, ऐसा आपका थॉट्स और बिहेवियर में चेंजेस इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ ध्यान में रखने का है कि ये सब कोई को रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि सिर्फ इकोलॉजी में साइंटिस्ट जो है वही जिम्मेदार नहीं है इकोलॉजी का प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, बल्कि हम लोग सब जिम्मेदार हैं हम लोग का सोच और हरकत को बदल करके। ठीक है,
ये जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया कि ये जितने भी कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं, सिर्फ लिटरेरी एस्पेक्ट नहीं कि पोएम और नॉवेल में क्या क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि ये कल्चरल में भी हम लोग का कल्चर में क्या क्या फ़र्क लाना चाहिए, हम लोग का सोच विचार में, फूड हैबिट्स में, ड्रेसिंग हैबिट्स में, बोल चाल में, ठीक है, सोच में क्या क्या फ़र्क लाना चाहिए और उस वो कैसे एनवायरनमेंट को और ग्रीन और ज़्यादा सिक्योर बना सके, इस चीज़ लेकर भी इको क्रिटिसिज्म आलोचना करता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल अगर दिया जाए कि मॉडर्न डे इको क्रिटिसिज्म किस किस चीज़ को कवर अप करता है, तो मान लीजिए कोई रोमांटिक पोएम हो गया, रोमांटिक पोएम इन द सेंस कि रोमांटिक सेटिंग में लिखा गया पोएम, जैसे नेचर में, ठीक है, या दिस टाइप्स ऑफ विल्डरनेस नैरेटिव। विल्डरनेस नैरेटिव यानी विल्डरनेस आपका कोई फाँका जगह होता है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस जो कि पड़ा हुआ है, उसको लेके मान लीजिए कोई नैरेटिव लिखा गया, कोई स्टोरी लिखा गया। तो ये सब तो हो गया बहुत स्टीरियोटिपिकल, बहुत ट्रेडिशनल एग्जांपल्स ऑफ मतलब इकोक्रिटिकल सैम्पल। लेकिन आजकल इकोक्रिटिसिज्म ये सब छोटा छोटा चीज से लेके बहुत ब्रॉड कैटेगरी में भी आ गया है, जैसे फिल्म हो गया, टीवी सीरीज हो गया, आपका कोई रोम कॉम हो गया, ठीक है, डेली सोप हो गया, नॉर्मल कोई कॉमिक बुक हो गया, कोई भी तरीके का, इवन डिजिटल कंटेंट भी अगर हो गया, मीडिया कंटेंट भी हो गया, हर चीज़ में आज इको क्रिटिसिज्म आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज ज़िंदगी का हर पहलू में ही एनवायरनमेंटल अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है फॉर आवर सस्टेनेंस ओनली। ओके, बाकियों का सस्टेनेंस के लिए भी तो ज़रूरी होगा, आप छोड़ भी दीजिए, सिर्फ इंसानी इन सस्टेनेंस को भी अगर हेल्दी तरीके से बरकरार रखना है तो उसके लिए भी हम लोग को ज़िंदगी का हर पहलू में एनवायरनमेंटल अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसका डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो ये चीज़ को लेकर कंसर्न था कि सोनेट्स में, ठीक है, नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें एक सैम्पल एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसका भावना क्या था, सिर्फ स्पेसिफिक लिटरेरी स्कोप में सीमित था। लेकिन आज इकोक्रिटिज्म कहाँ पहुँचा कि हाउ विल्डरनेस आइडिया हैज़ इवॉल्व्ड, यानी एंशियंट टाइम में या ट्रेडिशनल लिटरेचर में विल्डरनेस मतलब जो समझाता था, आज भी क्या विल्डरनेस मतलब वही समझा जा रहा है। विल्डरनेस को क्या सिर्फ नेचुरल ब्यूटी की तरफ से या नेचुरल एक तरीके से देखा जाए तो फेलियर के तौर से देखा जा रहा है, एम्प्टीनेस के तौर से देखा जा रहा है, या वहाँ पे पोटेंशियल कमर्शियलाइजेशन भी देखा जा रहा है कि फाँका जगह में हम लोग फ्लैट बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, तो इसको ग्रैब करना ज़रूरी है, उस लिहाज से भी देखा जा रहा है, तो उस चीज़ों से भी विल्डरनेस को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो ये सब सारा चीज़ जो है ना मॉडर्न डे इको क्रिटिसिज्म कवर करता है, और इसमें एक सोशियो पॉलिटिकल अथॉरिटी का भी बात आता है, क्योंकि इको क्रिटिसिज्म बाकी कोई भी मॉडर्न डे क्रिटिसिज्म, जैसे आप फेमिनिज्म मान लो, ठीक है, वो क्या करता है, वो वुमेन को एम्पावर करता है, उसको एक सोशल और पॉलिटिकल अथॉरिटी देता है कि वो अपने आवाज़ को बुलंद कर सके, डे टू डे जो उसका समस्या है, उसके साथ अन्याय होता है, उसके खिलाफ लड़ सके। तो सिमिलर तरीके से इको क्रिटिसिज्म का एम भी है कि इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को सोशियो पॉलिटिकली एम्पावर करना, ताकि वो सोशल लेवल में उसके साथ जो अत्याचार हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल में उसका साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका खिलाफ वो आवाज़ उठा सके। अब एनवायरनमेंट क्या खुद बोल सकता है, पेड़ क्या बोलेंगे, मछलियाँ क्या बोलेंगी, पानी क्या बोलेगा, नहीं, इनका तरफ से, इनका बिहाव से इंसान, हम लोगों को ही बोलना पड़ेगा। तो ये अवेयरनेस लाने का काम कौन करेगा, दैट इज द ड्यूटी, दैट इज द एम, दैट इज द टारगेट ऑफ इको क्रिटिसिज्म। समझ में आया, ये बहुत शॉर्ट में मैंने मूलभूत जो सिद्धांत इको क्रिटिसिज्म को वो समझाने का कोशिश किया। अब ये डीप इकोलॉजी को समझते हैं, इसको अब समझेंगे तो इको क्रिटिसिज्म का जो मूल लक्ष्य है वो और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, गहरा वास्तुतंत्र, इसका मतलब क्या, अच्छा, सबसे पहले डीप इकोलॉजी अगर कुछ है तो इसका मतलब कुछ अगभीर वास्तुतंत्र भी होगा, शैलो इकोलॉजी भी होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है कि उन लोगों का अप्रोच के हिसाब से शैलो इकोलॉजी वो इकोलॉजी है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी नीड को मद्देनजर रखते हुए इकोलॉजी को डिस्क्राइब करता है या इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का भी बात करता है। डीप इकोलॉजी इकोलॉजी का वैसा स्टडी है जो कि सिर्फ इंसानी सोच, इंसानी चाहत को देखते हुए इवॉल्व नहीं होता, वो पूरा का पूरा बायोडायवर्सिटी को, पूरा का पूरा ग्लोबल नीड को ध्यान में रखते हुए, बाकी सारा स्पीशीज को भी नीड को ध्यान में रखते हुए वो अपना सिद्धांत को लेके चलता है। तो ऐसा जो सब कोई को कंसिडर करता है, सब कोई के बारे सोचता है, सब कोई को इक्वल एथिकल वैल्यू देता है, दैट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी इज कॉल्ड डीप इकोलॉजी। आया समझ में। अब इसका थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। ये शब्द सबसे पहले यूज किया था किसने, नॉर्वेजियन फिलोसोफर, उनका नाम क्या था, अर्ने नेस। ठीक है, बहुत ध्यान से ये नाम जान के रखिएगा। तो ये डीप इकोलॉजी जहां आप पढ़े, दो नाम आपको अपना दिमाग में एकदम प्रिंट कर लेना है, एक है अर्ने नेस
और दूसरे हैं जॉर्ज सेशन, उनका बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अर्नेनेस को सबसे पहले समझ लेते हैं। वो उन्होंने 1973 में एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में उन्होंने सबसे पहले डीप इकोलॉजी इस शब्द का इस्तेमाल किया। आर्टिकल का नाम भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, द शैलो एंड द डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजी मूवमेंट। इसी में उन्होंने शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी में डिफरेंस बताया था। डिफरेंस क्या है मैंने थोड़ा देर पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब नेक्स्ट जो व्यक्ति है जो इंपॉर्टेंट है इस डीप इकोलॉजी का फील्ड में, दैट इज जॉर्ज सेशंस। ये कौन है? ही इज अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट और प्लस वो एक फिलोसॉफी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं सियरा कॉलेज में, जो कि कैलिफोर्निया के अंतर्गत रॉकलिन में स्थित है। ठीक है, तो एक हो गए नॉर्वेजियन फिलोसोफर अर्नेनेस, दूसरे हो गए अमेरिकन एनवायरमेंटलिस्ट जॉर्ज सेशंस। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। अच्छा, अब डीप इकोलॉजी को थोड़ा सा मूल इसका पॉइंट जो है या थीम जो है समझते हुए चलते हैं। ये सिर्फ इकोलॉजी को लेके नहीं बल्कि एनवायरमेंटल एथिक्स को लेके भी बात करता है। एनवायरमेंटल एथिक्स ऐसा कुछ मॉरल वैल्यूज है जो आपको एनवायरमेंट का वैल्यू समझने में, एनवायरमेंट का प्रोटेक्ट करने का नीड को समझने में आपको मदद करता है। और इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल एथिक्स देन यू विल प्रोटेक्ट एनवायरमेंट ऑन योर ओन। आपको किसी का इंस्पिरेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से उस अर्ज को फील करेंगे कि आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, बिकॉज यू विल कंसिडर योर सेल्फ एज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, अच्छा, अब क्या ये डीप इकोलॉजी बोलता है कि एनवायरमेंट को अपना एक लीगल और मॉरल राइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का ज़माना में जहाँ पे इंसान ही दूसरा इंसान को एक्सप्लॉयट कर दे रहा है, जहाँ इंसान का ही मॉरल और लीगल राइट सुरक्षित नहीं है, तो एनवायरमेंट का तो वहाँ पे क्या ही कहना। इसलिए एनवायरमेंट का भी अपना कुछ लीगल एंड मॉरल राइट्स रहना चाहिए, जिसको अगर डिफाई किया जाए, जिसको अगर तोड़ा जाए, तो प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाए जिसने तोड़ा है एनवायरमेंटल कोड्स उसका खिलाफ। ठीक है, फिर और एक चीज़ यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ईच पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी पूरा जो वास्तुतंत्र है उसका जो हर एक पार्ट है, वास्तुतंत्र पार्ट यानी सारा लिविंग एलिमेंट्स, यानी लिविंग एलिमेंट्स इन द सेंस आपका जितना जीवित है, जैसे पशु पक्षी हो गया, इंसान हो गया, ठीक है, और जितना भी नॉन लिविंग पार्ट है, ठीक है, आपका जितना भी पहाड़ पेड़ नदियाँ पत्ते वगैरह एनीथिंग, तो इन दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इंसान भी बाकी लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों पर डिपेंडेंट है, बाकी नॉन लिविंग एंड लिविंग चीज़ भी इंसान पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें कोई किसी का पर वर्चस्व या वर्तरी हासिल करके नहीं है, दोनों ही इक्वली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और इसीलिए इंसान को क्या करना चाहिए कि नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो उसका कितना काम आ रहा है। यूटिलिटेरियन मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए। यूटिलिटेरियन मेंटालिटी यानी कि मेरा काम जो ज़्यादा आएगा उसी का ज़्यादा वैल्यू होगा। ये लॉजिक है, ये थियोरी डीप इकोलॉजी कंप्लीटली डिस्कार्ड करता है, रिजेक्ट करता है। उसका हिसाब से इंसान को क्या करना चाहिए कि कोई चीज़ उसका काम में आए चाहे ना आए, फिर भी सबको उसको इज्जत करना चाहिए, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इंसान जैसे खुद एक इकोसिस्टम का हिस्सा है, बाकी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है और वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, बस इसी लॉजिक का हिसाब से। ठीक है, चाहे उसका काम में आए या ना आए। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट ये एक और जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसको ये प्रमोट करते हैं डीप इकोलॉजी, वो है ह्यूमन सुप्रीमेसी को एक संपूर्णतः नकार देता है। ये जो कॉमन आइडिया है कि जो ह्यूमन्स है, इंसान है, वो बाकी सारे चीज़ों से बढ़कर है। ठीक है, वो बाकी पशु पक्षी हो गए या बाकी नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, बाकी नेचुरल पार्ट हो गए, वो सबसे सुपीरियर है। ये आइडिया को कम्प्लीटली डिनाई करता है डीप इकोलॉजी। ठीक है, और इसी के चलते वो एंथ्रोपोसेंट्रिक एनवायरमेंटलिज्म को भी नकारता है। एंथ्रोपोसेंट्रिक एनवायरमेंटलिज्म यानी कि होता है कि ऐसा आपका परिवेशवाद या ऐसा परिवेश विद्या जो कि इंसान का जरूरत लगेगा, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए परिवेश को संरक्षण करने का बात करता है। क्योंकि परिवेश अगर नहीं बचेगा, वास्तुतंत्र नहीं बचेगा, एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, तो इंसान भी जिंदा नहीं रह सकेगा। तो इंसान को परिवेश को बस इसीलिए प्रोटेक्ट करना चाहिए कि वो आगे अपने खुशी से ज़िंदगी बिता सके, वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पा सके। तो ये हो गया इंसान केंद्रिक या मनुष्य केंद्रिक परिवेशवाद। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक एनवायरमेंटलिज्म ये नहीं चलना चाहिए। इंसान केंद्र की क्यों होगा, इंसान छोड़ के बाकी और कोई जीव दुनिया में नहीं है। ठीक है, बाकी नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी इंसान को सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपना सुविधा अपने फायदे के लिए। ठीक है, यहाँ एक चीज़ आप डेटा और जान के रखिए कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए, ये गोल को अचीव करने के लिए अर्नेनेस का कहना था कि ह्यूमन पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा है इस दुनिया को डीप इकोलॉजी का अनुसार ही बनाने के लिए। तो डीप इकोलॉजी अगर रियलिस्टिक
स्ट्रिक्टली फॉलो करना है तो पॉपुलेशन सबसे पहले कम करना होगा। अब पॉपुलेशन कम करना मतलब क्या, तुम अब जेनोसाइड करोगे, पकड़ पकड़ के आदमी को काटोगे? नहीं, वैसा नहीं। ही प्रमोटेड अ काइंड ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज इन पॉपुलेशन, धीरे धीरे करके ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करना होगा। उसके लिए वो उपाय लेना पड़ेगा सोच विचार करके, ठीक है। उनका हिसाब से 100 मिलियन इज द परफेक्ट, इज द आइडियल काउंट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। हालांकि इतना कम तो हो नहीं सकता। जो डीप इकोलॉजी के दूसरे प्रवक्ता हैं वो हिसाब करके बोलते हैं कि कम से कम अगर 1-2 बिलियन भी होगा तो भी डीप इकोलॉजी लागू हो सकता है। लेकिन आप आज सोचिए, करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज़्यादा है, कैसे होगा? 4 से 8 गुना ज़्यादा भार सहन कर रहा है यह धरती, तो कैसे उसमें डीप इकोलॉजी लागू होगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और वो बताते हैं कि जो इंडिजिनस पीपल थे ना, इंडिजिनस यानी जो आदिम पीपल थे, जो आदिवासी टाइप के थे, जो जंगलों का ऊपर ही मतलब पूरा बेस करके अपना सस्टेनेंस करते थे, उसी का फल पत्ता खाते थे, नदी का मछली खाते थे, शिकार करते थे, ठीक है, एकदम आदिम मानव जैसे ज़िंदगी गुजारते थे। आज भी आपको कोई कोई जगह में अंडमान निकोबर में ऐसा प्रिमिटिव स्टोन एज टाइप का ट्राइब मिल जाएगा, ठीक है, जो कि वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का पॉपुलेशन का जो लाइफस्टाइल था उसी को डीप इकोलॉजी आइडियल मानता है, क्योंकि ऐसे वो लोग अपने भी ठीक सस्टेन कर रहे थे और नेचर को भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रमाण है कि क्योंकि आज तक वो लोग अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं कुछ कुछ जगह, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि नेचर को ओवर एक्सप्लॉयट किए बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं और बहुत बढ़िया से जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक और तत्व आ जाता है, दैट इज नॉन इंटरफेरेंस एक्सेप्ट फॉर वाइटल नीड्स, यानी जब तक इंसान का वाइटल नीड्स ना हो, अत्यंत आवश्यक जरूरत ना हो, तब तक उसको नेचुरल वर्ल्ड में, इकोसिस्टम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अपना टांग नहीं अड़ाना चाहिए, उसको उसका जैसे रहने देना है, अपने अपना जैसा रहना है। यही तो आजकल होता नहीं है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग क्विकली 8 शॉर्ट पॉइंट्स देख लेंगे, जिसको 8 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डीप इकोलॉजी कहा जाता है। बिल डेवल और जॉर्ज सेशंस ने मिलकर 1985 में यह 8 मूल पॉइंट स्थिर किया था। ये जल्दी से देख लेते। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन यूटिलिटी, यानी हर इकोसिस्टम का हर पार्ट, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन हो, सब कोई का अपना अपना वैल्यू है, ठीक है, चाहे वो इंसान का काम में आए या ना आए। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, कि अगर सब चीज़ का वैल्यू है तो बायोडाइवर्सिटी को गुरुत्व देना पड़ेगा। तरह तरह का ढेर सारा हम लोग में डाइवर्स टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, चाहे आप प्राणी जगत में कह लीजिए या उद्भिद जगत में कह लीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है इसका डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना। तीसरा है नॉन इंटरफेरेंस एक्सेप्ट फॉर वाइटल नीड्स, थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया इसको। चौथा है कि पॉपुलेशन को डिक्रीज करना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो भी मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर पांचवा है कि वर्सनिंग क्रिटिकल इंटरफेरेंस, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, जो परिवेश का स्थिति को क्रिटिकल ऑलरेडी काफ़ी बना चुका है, और ये दिन प्रतिदिन क्या होता रहा, और भी गहरा तरीके से ये इसका खराब प्रभाव बढ़ते जा रहा है। छठा है कि पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। ये तो हो गया समस्या, अब समस्या का समाधान कैसे होगा, पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, इकोनॉमिक तरीके से करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल तरीके से करना पड़ेगा, और आइडियोलॉजिकल तरीके से भी करना पड़ेगा। आदमी का जो सोच है, जो मिशन एंड विजन है, जिस तरीके से वो अपना ख्यालात को दर्शाता है, एक्चुअलाइज करता है, उसमें भी बदलाव लाना ज़रूरी है, सोच सुधारो, ठीक है ना, ये भी ज़रूरी है। फिर सातवां पॉइंट क्या है कि हम लोग का मन में ये रखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, वो हमेशा ज़्यादा मायने रखना चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। आप कितने करोड़ कमा रहे हो, आपका 3 BHK है कि नहीं, आपका घर में कितना बड़ा बड़ा इंटीरियर डिज़ाइन है, कितना AC है, वो मैटर नहीं करना चाहिए। मैटर क्या करना चाहिए, आपका लाइफ कितना क्वालिटी वाला है, आपका चारों तरफ जो प्राणी जगत है, उद्भिद जगत है, क्या आप उसको भी संरक्षण कर रहे हो, क्या आप नेचर को भी प्रॉपर तरीके से ठीक रख रहे हो, क्या आपका जो लाइफ है उसमें सब बढ़िया तरीके से सस्टेनेबल तरीके से चल रहा है, ओके, आर यू हैप्पी एंड आर यू मेकिंग योर सराउंडिंग्स ऑल्सो हैप्पी, ये सब चीज़ मैटर करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो ये ज़्यादा विचार्य होना चाहिए रादर देन योर स्टैंडर्ड एंड योर फाइनेंशियल शो ऑफ, ओके। और आठवां और आखिरी प्रिंसिपल है कि जिसको ये चीज़ में एग्री होता है सबको, उस सभी को इंडिविजुअल लेवल में इसको एक्चुअलाइज करना चाहिए, इसको वास्तविकता में परिवर्तित करना चाहिए अपना अपना काम के जरिए, ठीक है। तो ये हो गया डीप इकोलॉजी। अब 2 पॉइंट और पड़ा रहता है, उसको जल्दी से समझ लेते। एक है ओइकोपोएटिक्स, ठीक है, और दूसरा है बायोसेंट्रिक इक्वालिटी। ओइकोपोएटिक्स एक ऐसा पोएटिक्स है, या कहा जाए तो एक ऐसा पोएटिक स्टडी है, जो ओइकॉस को लेकर के
अपना एनालिसिस करता है। ओइकॉस क्या है? ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है हाउस या फिर ड्वेलिंग प्लेस। एंशियंट ग्रीक में इसी लिहाज से यूज़ होता था। इवन आप अगर आप इकोलॉजी वर्ड का मतलब उत्पत्ति को देखो तो इकोलॉजी वर्ड भी ये ओइकॉस से ही आया है। एक ओइकॉस और एक लोगॉस, ओइकॉस यानी हाउस और ड्वेलिंग प्लेस और लोगॉस यानी स्टडी। तो हम लोग जहाँ रहते हैं उसका स्टडी, हम लोग कहाँ रहते हैं, धरती में रहते हैं, तो धरती का स्टडी को, नेचर का स्टडी को ही इकोलॉजी कहा जाता है। तो ओइकॉस इन द सेंस ड्वेलिंग प्लेस। अब ये जो ओइकॉस है ये तीन तरीके का होता है, एक है इंटीग्रेटिव ओइकॉस, एक है हायरार्किक ओइकॉस, एक है एनार्किक ओइकॉस। ये तीनों क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। इंटीग्रेटिव ओइकॉस मतलब ऐसा टाइप का हाउस या ड्वेलिंग प्लेस, यानी आप नेचर समझ लीजिए, ऐसा टाइप का नेचर जहाँ पे आप जो नेचुरल एलिमेंट्स है, पेड़ पत्ते, घास, नदी, पहाड़, ये सब हो गए, इंसान जो है और स्पिरिट, स्पिरिट यानी आप रिलीजियस स्पिरिट मानो, गॉड मानो, कुछ भी मानो, सेक्रेट समथिंग मानो, ठीक है, दैट स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिट्स, और इंसान और नेचर, तीनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं, तीनों का कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और तीनों ही एक दूसरे को कंजर्व एंड प्रिजर्व करते हैं। ये सबसे बेहतरीन ओइकॉस है। इस तरीके का ओइकॉस में या इस तरीके का सेटलमेंट में कोई भी ना तो नेचर पीपल को एक्सप्लॉयट करता है, ना पीपल नेचर को एक्सप्लॉयट करता है, ना स्पिरिट नेचर को एक्सप्लॉयट करता है, एक दूसरे में कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं करता बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका उदाहरण क्या था कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज था ना, जो मैंने कहा कि आदिम आदिवासी टाइप का जो नेचर बेस्ड था, वो लोग इंटीग्रेटिव ओइकॉस का बहुत बड़ा उदाहरण था। नेक्स्ट क्या आ जाता है? हायरार्किक ओइकॉस। हायरार्की मतलब होता है जब आप एक दूसरे के नीचे आ जाते हो, रैंकिंग सिस्टम जब चलाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सेक्रेड नेचर और इंसान का लेवल से ऊपर चला गया, वो सबसे ऊपर चला गया। आप स्पिरिट कह लो, रिलीजन कह लो, स्पिरिचुअलिटी कह लो, जो भी कह लो, जो सेक्रेड है वो सबसे ऊपर चला गया और उसका नीचे नेचर और मैन चला आया। जैसे ही नेचर और मैन चला आया तब पूरा एक क्या हुआ, रैंक बन गया और नेचर और मैन फिर एक दूसरे का इक्वालिटी में नहीं रहे और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। इंसान ने नेचर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, किसका प्रभाव में आके, सेक्रेट का प्रभाव में आ करके, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पहले जैसे इंटीग्रेटिव ओइकॉस में आपका स्पिरिचुअल एंड नॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों ही कम्प्लीटली बैलेंस्ड था, ठीक है, लेकिन जैसे ही हायरार्किक ओइकॉस आया वैसे ही स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकिन डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। इसका आप सबसे बेहतरीन उदाहरण मानिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी छोड़ दीजिए, वो तो और एडवांस हो गया। सिविलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठीक है, जैसे एंशियंट जितना भी सभ्यताएं थे, जैसे मिश्री सभ्यता था या रोमन सभ्यता था, ठीक है, ये सब जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, ठीक है, साम्राज्य बढ़ता रहा, ठीक है, अर्बनाइजेशन होता रहा, तो उस समय का आप मान सकते हो कि ये हायरार्की ओइकॉस है कि नेचर का एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे शुरू हो गया। हालांकि तभी भी ये पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था। संपूर्ण जो एकदम डिक्लाइन है वो किस में अचीव हो जाता है, एनार्किक ओइकॉस में। एनार्किक ओइकॉस एक ऐसा ओइकॉस है या एक ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पे कोई रैंकिंग या कोई तरीके का इंटर रिलेशन रहता ही नहीं है, कोई लिंक नहीं रहता, सब एक दूसरे से अलग अलग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ना स्पिरिट से पीपल का कोई कनेक्शन रहता है, ना पीपल से नेचर का कोई कनेक्शन रहता है, ना नेचर से स्पिरिट का कोई कनेक्शन रहता है, सब अलग अलग ब्लॉक बन जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेटेड हो जाते हैं, इसीलिए एनार्किक कहा जाता है, ठीक, किसी में किसी का कोई इंटरडिपेंडेंस, इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन कुछ नहीं है। अब एनार्किक ये जो ओइकॉस है इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप कह सकते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, अर्बनाइजेशन हो जाता है और नेचर का भरपूर मात्रा में क्या शुरू हो जाता था, प्रोडक्टिफिकेशन शुरू हो जाता है, कमर्शियलाइजेशन शुरू हो जाता है। आप अपना बिजनेस के लिए, आप अपना प्रोडक्ट्स के लिए, आप अपना लाइफस्टाइल का प्रॉफिट के लिए नेचर को चूसना शुरू कर देते हैं, नेचर को खोखला बनाना शुरू कर देते हैं। दैट इज द मोस्ट डायलैपिडेटेड स्टेज, ओके, वेयर वी जस्ट फिनिश्ड नेचर, ओके। अब इसमें एक दो फीचर्स आपको दिखने को मिलेगा एनार्किक ओइकॉस में, जैसे ये जो हायरार्की था ना कि नेचर, मैन, सैक्रेड, पूरा हायरार्की ही उड़ जाता है, इसको कहते हैं हायरार्किक लिबरेशन। फिर इसमें एक और फीचर क्या देखने आता है, फिनेंशियल या इकोनॉमिक लिबरेशन, जहाँ पे आपका जो इकोनॉमी है ना ओपन ओंडेड हो जाता है, लिबरल हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से ऊपर उड़ जाते हैं और ये सोच आपका दिमाग में घुसा दिया जाता है कि इकोनॉमी का प्रॉफिट करने के लिए, मटेरियल ग्रोथ करने के लिए आप कोई भी हद तक जा सकते हो, वहाँ पे मोरालिटी, एथिक्स फॉलो करने का कोई बात ही नहीं आता। तो जाहिर सा बात है इसमें आपको छूट मिल जाता है, इसमें आप नेचर को जाके
जितना मर्जी उतना एक्सप्लॉयट करो, कौन क्या ही फर्क पड़ता है ना। और इसमें रैशनैलिटी का सुप्रीमेसी आ जाता है, यहाँ पे कोई सेक्रेड या स्पिरिट या रिलीजियन स्पिरिचुअलिटी ये सब यहाँ पे आता ही नहीं है। पहले जब आप सोचें इंटीग्रेटिव ओइकॉस था तब नेचर के साथ स्पिरिचुअलिटी भी लिंक्ड था, नेचर को भी सेक्रेड माना जाता था, तो उसका कोई मतलब बेहरमती या नाफरमानी नहीं करता था। लेकिन आज जब आज के ज़माने में जब सब जगह रैशनैलिटी ही सुप्रीम है, कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, तो जब इंसान को आदमी नहीं देख रहा, नेचर को क्या ही छोड़ गया, है ना। तो ये सब चीज़ मिल करके एनार्की ओइकॉस बनाता है। गॉट इट, समझ में आ गया। अब आखिरी पॉइंट है बायोसेंट्रिक इक्वालिटी। इसका नाम से ही आपको समझ में आता होगा कि इसमें सब चीज़ को इक्वल मायने में देखा जाता है। अब क्या इसका मुद्दा है, मतलब ये किस चीज़ का बेसिस पे बना हुआ है ये इक्वालिटी? बायोडाइवर्सिटी का बेसिस में। इसीलिए देखिए बायोसेंट्रिक लिखा हुआ, यानी जितने भी जीवित चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स है, चाहे वो मछली हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर इंसान हो, सब क्या है, सब इक्वल है। एवरी ईच एंड एवरी ऑफ देम शेयर इक्वल वैल्यू, हर एक का वैल्यू बराबर है। ऐसा नहीं कि इंसान ज़्यादा वैल्यूएबल है और पशु पक्षी या मछली कम वैल्यूएबल है, नो। सब कोई को इक्वल मॉरल कंसिडरेशन मिलना चाहिए। अगर हम इंसान को, इंसान का जान को थोड़ा ज़्यादा मॉरल वैल्यू देकर रखेंगे, ये इंसान है, इसको छोड़ देते हैं, इसको एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं, और ये तो मछली है, ये तो पेड़ है, क्या ही बोले, चलो काटो इसको, ठीक है, साफ कर दो जंगल, नहीं, वो नहीं बोल पाता, वो नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मॉरल कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। उसको भी उतना ही मॉरल कंसिडरेशन मिलना चाहिए और मिलेगा। और क्या है कि इक्वल प्रायोरिटी, कि सब कोई को प्रायोरिटी का बेसिस में भी किसी को किसी से आगे नहीं करना चाहिए। अगर मुझे किसी का सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं इंसान को छोड़ दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, और नेचर को बलि चढ़ा दूंगा क्योंकि वो कम प्रायोरिटी है, ऐसा सोच नहीं चलेगा। नेचर हो कि इंसान हो, दोनों ही बराबर प्रायोरिटी में रहने चाहिए। तो समझ में आ गया बायोसेंट्रिक इक्वालिटी, तीन इसका पॉइंट है, एक है इक्वल वैल्यू, एक है इक्वल मॉरल कंसिडरेशन, और तीसरा है इक्वल प्रायोरिटी। हालांकि इसको इकोसेंट्रिज्म से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इकोसेंट्रिज्म सिर्फ लिविंग बींग को कंसिडरेशन नहीं लाता, वो नॉन लिविंग बींग को भी कंसिडरेशन में लाता है, वो पूरा इकोसिस्टम को ही एक समान मानता है, और बायोसेंट्रिक इक्वालिटी सिर्फ जीवित चीज़ों को एक समान मानता है। ये थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है, ओके। तो ये था पूरा इको क्रिटिसिज्म का रिलेटेड पूरा सारा चीज़, मेन चीज़ मैंने समराइज करके वो बता दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इस लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही कोई भी पोएम, प्रोज, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कुछ भी हो जिसमें आपको हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप कॉमेंट डाउन कीजिए, उसमें हम लोग जल्द से जल्द वीडियो बना के डालेंगे। थैंक्स वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे।